लालच बुरी बला है। एक शहर में एक आदमी रहता था। वह बहुत ही लालची था। उसने सुन रखा था कि अगर संतों और साधुओं की सेवा करे तो बहुत ज्यादा धन प्राप्त होता है। ये सोचकर उसने साधु संतों की सेवा करनी प्रारंभ कर दी। एक बार उसके घर बड़े ही चमत्कारी संत आए। उन्होंने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसे चार दिए दिए और कहा, इनमें से एक दिया जला लेना और पूरब दिशा की ओर चले जाना। जहाँ ये दिया बुझ जाए वहाँ की जमीन को खोद लेना, वहाँ तुम्हें काफी धन मिल जाएगा। अगर फिर तुम्हें धन की आवश्यकता पड़े तो दूसरा दिया जला लेना और पश्चिम दिशा की ओर चले जाना। जहाँ ये दिया बुझ जाए वहाँ की जमीन खोद लेना, तुम्हें मन चाही माया मिलेगी। फिर भी संतुष्टि ना हो तो तीसरा दिया जला लेना और दक्षिण दिशा की ओर चले जाना। उसी प्रकार दिया बुझने पर जब तुम वहाँ की जमीन खोदोगे तो तुम्हें बेअंत धन मिलेगा। तब तुम्हारे पास केवल एक दिया बच जाएगा और एक ही दिशा रह जाएगी। तुमने ये दिया ना ही जलाना है और ना ही इसे उत्तर दिशा की ओर ले जाना है। ये कहकर संत चले गए। लालची आदमी उसी वक्त पहला दिया जलाकर पूरब दिशा की ओर चला गया। दूर जंगल में जाकर दिया बुझ गया। उस आदमी ने उस जगह को खोदा तो उसे पैसों से भरी एक गागर मिली। वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि इस गागर को फिलहाल यही रहने देता हूँ, फिर कभी ले जाऊंगा। पहले मुझे जल्दी ही पश्चिम दिशा वाला धन देख लेना चाहिए। ये सोचकर उसने दूसरे दिन दूसरा दिया जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। दूर एक उजाड़ स्थान में जाकर दिया बुझ गया। वहाँ उस आदमी ने जब जमीन खोदी तो उसे सोने की मोहरों से भरा एक घड़ा मिला। उसने घड़े को भी यही सोचकर वही रहने दिया कि पहले दक्षिण दिशा में जाकर देख लेना चाहिए। जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करने के लिए वह बेचैन हो गया। अगले दिन वह दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। दिया एक मैदान में जाकर बुझ गया। उसने वहाँ की जमीन खोदी तो उसे हीरे मोतियों से भरी दो पेटियाँ मिली। वह आदमी अब बहुत खुश था। तब वह सोचने लगा, अगर इन तीनों दिशाओं में इतना धन पड़ा है तो चौथी दिशा में इनसे भी ज्यादा धन होगा। फिर उसके मन में ख्याल आया कि संत ने उसे चौथी दिशा की ओर जाने के लिए मन किया है। दूसरे ही पल उसके मन ने कहा, हो सकता है उत्तर दिशा की दौलत संत अपने लिए रखना चाहते हो। मुझे जल्दी से जल्दी उस पर भी कब्जा कर लेना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करने की लालच ने उसे संतों के वचनों को दोबारा सोचने ही नहीं दिया। अगले दिन उसने चौथा दिया जलाया और जल्दी जल्दी उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। दूर आगे एक महल के पास जाकर दिया बुझ गया। महल का दरवाजा बंद था। उसने दरवाजे को धकेला तो दरवाजा खुल गया। वह बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन में सोचा कि यह महल उसके लिए ही है। वह अब तीनों दिशाओं की दौलत को भी यही ले आकर रखेगा और ऐश करेगा। वह आदमी महल के एक एक कमरे में गया। कोई कमरा हीरे मोतियों से भरा हुआ था, किसी कमरे में सोने के कीमती से कीमती आभूषण भरे पड़े थे, इसी प्रकार अन्य कमरे भी बेअंत धन से भरे हुए थे। वह आदमी चकाचौंध होता जाता और अपने भाग्य को शाबाशी देता। वह जरा और आगे बढ़ा तो उसे एक कमरे में चक्की चलने की आवाज सुनाई दी। वह उस कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी चक्की चला रहा है। लालची आदमी ने बूढ़े से कहा कि तू यहाँ कैसे पहुँचा। बूढ़े ने कहा, ऐसा करिए, जरा चक्की चला, मैं सांस लेकर तुझे बताता हूँ। लालची आदमी ने चक्की चलानी प्रारंभ कर दी। बूढ़ा चक्की से हट जाने पर ऊंची ऊंची हंसने लगा। लालची आदमी उसकी ओर हैरानी से देखने लगा। वह चक्की बंद ही करने लगा था कि बूढ़े ने खबरदार करते हुए कहा, ना ना, चक्की चलानी बंद ना कर। फिर बूढ़े ने कहा, ये महल अब तेरा है, परंतु यह उतनी देर तक खड़ा रहेगा जितनी देर तक तू चक्की चलाता रहेगा। अगर चक्की चलनी बंद हो गई तो महल गिर जाएगा और तू भी इसके नीचे दबकर मर जाएगा। कुछ समय रुककर बूढ़ा फिर कहने लगा, मैंने भी तेरी ही तरह लालच करके संतों की बात नहीं मानी थी और मेरी सारी जवानी इस चक्की को चलाते हुए बीत गई। वह लालची आदमी बूढ़े की बात सुनकर रोने लग पड़ा। फिर कहने लगा, अब मेरा इस चक्की से छुटकारा कैसे होगा। बूढ़े ने कहा, जब तक मेरे और तेरे जैसा कोई आदमी लालच में अंधा होकर यहाँ नहीं आएगा, तब तक तू इस चक्की से छुटकारा नहीं पा सकेगा।
तब उस लालची आदमी ने बूढ़े से आखिरी सवाल पूछा, तू अब बाहर जाकर क्या करेगा? बूढ़े ने कहा, मैं सब लोगों से ऊंची ऊंची कहूंगा, लालच बुरी बला है। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।